विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी पार्टियां अपना रंग दिखाने लगी हैं। हर दिन नए बयान के साथ वो एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। इस कड़ी में राजस्थान छत्तीसगढ़ के प्रभारी और राज्यसभा सांसद ओम माथुर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस को दिशाहीन पार्टी बताया है। दरअसल ओम माथुर जोधपुर में एक निजी कॉलेज विद्यालय में वार्षिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो राजस्थान के विधायकों पर कार्रवाई नहीं कर पाए, उनको दिल्ली के अकबर रोड वाले कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय पर ताला लगा देना चाहिए। कांग्रेस देश की दिशाहीन पार्टी है। ओम माथुर ने कहा कि कांग्रेस में एक दूसरे को ही निकम्मा, गद्दार और नकारा कहा जा रहा है और पदयात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में भाजपा के लिए कुछ बोलने से पहले कांग्रेसियों को अपना घर संभाल लेना चाहिए। ये पार्टी पूरी दिशाहीन हो चुकी है। कांग्रेस में इससे बड़ा क्या होगा कि केंद्रीय पर्यवेक्षक जयपुर आते हैं और 90 विधायकों को 6 घंटे का इंतजार करने के बाद भी उनसे कोई नहीं मिलता है। दुर्भाग्यवश वही पर्यवेक्षक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। इससे अच्छा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अकबर रोड वाले केंद्रीय कार्यालय पर ताला लगा देना चाहिए। इसके साथ ही ओम माथुर ने कहा कि भाजपा पार्टी सिस्टम की पार्टी है। हमारी पार्टी के पार्लियामेंट के सदस्य तय करते हैं और उसके बाद पूरी पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ उनके साथ चल देती है। हमारी पार्टी चुनाव देकर तैयारी नहीं करती है। हमारी पार्टी एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है, इसलिए हम पहले ही दिन से पूरी ताकत से लड़ते हैं। जिस तरह से राजस्थान की दुर्दशा हुई है, निश्चित रूप से जनता मन बना चुकी है और इन विधानसभा चुनावों में यह भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। चुनाव आने वाले हैं और देखना होगा कि नेताओं के ये बयान क्या रंग दिखाने वाले हैं। लोकवार्ता न्यूज़ जयपुर।